हैं जसमेर कल्याणकारी के आश्रम पे, और सर बिछड़ों को मिलाने की और कवायद जो आपकी चल रही थी उस कड़ी में कितना अहम कदम इसको मानते हैं? देखिए बिल्कुल, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथी रहे हैं और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे को त्याग कर आज स्वामी जी ने निर्णय लिया है कि जननायक जनता पार्टी को ताकत देंगे, और मैं ये मानता हूँ कि इनका प्यार इनका साथ आने वाले समय में एक परिवर्तन लाने का। तो इसको बीजेपी की घाटा माना जाए आप लोगों की मजबूती से? ये हमें तो मजबूती है, नुकसान तो किसी संगठन को कोई छोड़ता है तो होता है, और मेरा ये मानना है कि हमें आध्यात्मिक तौर पर भी और संगठनिक तौर पर भी स्वामी जी ताकत देने का। कल अभय चौटाला से मैंने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कार्यालय का उद्घाटन जरूर कर रहे हैं हम नए का, लेकिन पुराने जो कार्यालय हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे उन। करा लीजिए, खुला है, हमने तो जब संगठन दे दिया, झंडा डंडा और चिन्ह सब कुछ दे दिया, अगर वो उनके संगठन के नाम पर कार्यालय तो उसको लेने का काम। प्रदीप देसवाल पर जो हमला हुआ है उस पर अर्जुन चौटाला कहते हैं भी इनेलो की छत्र छाया खत्म हो गई है, उसके चलते अभी असुरक्षित है। तो इसका मतलब तो इनेलो गुंडागर्दी करना शुरू कर चुकी जी। तो बड़ौली हल्के बड़ौली से रमेश पहलवान, उनकी सुपुत्री है रीति आंतिल, आपको अपना भाई मानती है, अच्छी अच्छी रचनाएं वो लिखती है, उसके बारे में कोई आपके फैन फॉलोइंग? धन्यवाद करूंगा, उनके जो पोएम वो गाती है। जींद में सर कंपटीशन किससे मानते हैं? मैं तो सरकार से मानता हूं।